हेलो फ्रेंड, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सेल लोड में आप कैसे यूज़ करते हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपकी स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग में कैसे यूज़ करते हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, तभी आप समझ पाओगे कि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग में कैसे यूज़ होती है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर ए स्मॉल लेंथ डी एक्स ऑफ द बीम एट द डिस्टेंस एक्स होता है जो आपका फ्रॉम लेफ्ट एंड एज शोन इन फिगर। मैं आपको डायग्राम के जरिए बताऊंगा। इसमें लेट सिग्मा बी द बेंडिंग स्ट्रेस ऑन एन एलिमेंट्री एरिया, डी ए ऑफ द बीम एट डिस्टेंस वाई फ्रॉम द, तो जो आपका डायग्राम बनता है वो इस तरह का बनता है। ये आपका एक्स होता है, ये आपका डी एक्स होता है। जो आपको ये बनता है बेंडिंग वो इस शेप में बनता है, जो आपका डी ए और एन होता है। तो मैंने आपको बीम के जरिए बीम अंडर बेंडिंग कैसे होती है तो डायग्राम के जरिए बता दिया। देन न्यूट्रल एक्सिस देन स्ट्रेस इक्वल टू एम वाई बटे आई। तो जो आपका फार्मूला लगता है स्ट्रेस में वो ये होता है, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द एलिमेंट्री स्ट्रिप ड्यू टू द बेंडिंग स्ट्रेस इज। आप इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, डी यू इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बटे टू ई इंटू वॉल्यूम। तो जो आपका ये फार्मूला होता है एम स्क्वायर वाई स्क्वायर टू ई आई स्क्वायर इंटू डी एक्स और डी, जो आपका ये बेंडिंग स्ट्रेस में डायग्राम बनता है ये इस तरह का होता है। ये आपकी रेडियस होती है और ये आपकी लेंथ होती है। देन इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जो आपका कैलकुलेशन के बाद आता है वो आता है आपका एम स्क्वेयर बटे एम डी एक्स बटे टू ई आई द, इसलिए द फ्लेक्सर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द इंटायर बीम इज, जो आपका यू की शेप में होता है ये आपका स्ट्रेन ड्यू टू बेंडिंग। तो आप इसका डेरिवेट करते हो तो जो आपका फाई इक्वल टू एम एल बटे ई आई इक्वल टू वन बटे आर से बन क्या आता आपका एज सोन फिंग। मैंने आपको इसको डायग्राम के जरिए बता दिया। तो फ्रेंड आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, जो आप तो फ्रेंड जो मैंने आपको बताया स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग का आप डेरिवेशन कैसे करते हो, तो आपको हमारी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सके। अगर आपने फ्रेंड अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो हम आपसे फ्रेंड अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।